हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का संस्कृत चंद्रिका चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे। तो इसमें तो हम आपको बता ही दिए हैं कि चंद्रिका हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, चंद्रिका से क्या क्या लाभ होता है और हानि क्या होता है। हालांकि हानि कुछ नहीं होता है, और चंद्रिका तेज विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं या फिर कमज़ोर विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं, हम सारा कुछ कवर करके आपको बता ही दिए, ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको बता दें कि देखो, चंद्रिका सबसे पहले हम आपको हल्का सा हिंट दे देते हैं कि चंद्रिका एक तेज विद्यार्थी ही इस्तेमाल करके वह अच्छा अंक प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं हुए, आप सही सुन रहे हैं। चंद्रिका एक तेज विद्यार्थी ही सही उपयोग करके और सही में अच्छा नंबर प्राप्त कर लाते हैं, ठीक है। और किस तरह से उसे उपयोग कर लेते हैं यह जानने के लिए आप पीछे जाइए और वहाँ से आप समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम सारा कुछ कवर किए हुए होंगे। तो इसमें हम आपको बताएंगे, देखो बाबू, हालांकि यहाँ पे हम थोड़ा बुक कवर कर रहे हैं, तो चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर बाय, जैसे कि चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो इसमें कहीं 4 से 5 मिनट तक का वीडियो बनता है, इसी के आसपास में बनता है, ठीक है बाबू। तो हम यहाँ पर थोड़ा आपको फुल डिटेल्स तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम हल्का सा हिंट देते हैं कि चंद्रिका हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, खास करके संस्कृत के, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह चौथा चैप्टर स्टार्ट है। तो जो पाठ का परिचय देखते हैं, यह आपको रीडिंग करना है, ठीक है। रीडिंग करने के बाद देखो, रीडिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि रीडिंग किया और भूल जाए। रीडिंग करने का मतलब देखो, है तो छोटा ही, ठीक है। तो जैसे कि छोटा है तो इसको ना, यानी कि रीडिंग करना है और इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव खोजना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। उसके बाद पाठ का परिचय पढ़ने के बाद, जैसे कि नंबर 1 में आप देख पाए होंगे कि विपुल संस्कृत साहित्य और बीच में गैपिंग, उसके बाद इसमें देखिए, इसका एक बार शब्दार्थ पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आता है, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। उसके बाद जैसे कि विपुल संस्कृत साहित्य और ETC के बारे में जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो जैसे कि इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ अगर मानकर चलो इसका जो अर्थ है, उसके बाद अर्थ के बाद जैसे कि तुमको हम बता दें कि शब्दार्थ हो गया, उसके बाद फिर यही सब जो होता है, अगर इसके जैसे कि आप रीडिंग कर लेते हो, सारांश हो गया, पाठ का सारांश हो गया, अगर ये सब अगर एक बार आप रीडिंग कर लेते हो तो लगभग आपको यहाँ 30 से 35 नंबर कवर हो जाता है। इस तरह से आप जैसे कि कवर कर लेते हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे कि देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो सबसे पीछे जाओ क्वेश्चन बैंक में, और क्वेश्चन बैंक में सबसे पीछे में तो आप तुम जाकर देखो कि वहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, जो कि संस्कृत में एक तरह से बुझो कि हिंदी में ही उसका आंसर देना पड़ता है। जो पूछा जाता है लास्ट में, जो 16 नंबर का पूछा जाता है, आपको हिंदी में ही उसको आंसर दिया जाता है। जैसे पूछ देगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है, या फिर पूछ देगा कि पाटलिपुत्र का विभेद का वर्णन करो, तो 2 नंबर का रहता है। टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 8 × 16 नंबर का वहाँ वो कवर हो गया। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर इसको ठीक तरह से अगर रीडिंग कर लेते हैं तो यहाँ से भी अगर ऑब्जेक्टिव में भी 20 नंबर के आसपास होता ही, यहीं से पूछा जाता है, तो यहाँ से भी आप एक तरह से बुझो कि कवर कर लेते हैं। उसके बाद रह गया बात, देखो तो इसके बाद देखो रह गया क्या, प्रंस का, ठीक है। तो प्रंस आपको सभी याद नहीं करना है, हम आपको VBR प्रंस टिक मार लगा देंगे, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आपको सभी प्रंस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो बाबू, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक तरह से बुझो कि संस्कृत तो हमारे प्राचीन भाषा है ही, लेकिन इधर आके संस्कृत का वैल्यू कम होते जा रहा है, जैसे कि आप लोग जानते ही हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट का संस्कृत वीक होते हैं, और 80% छात्र संस्कृत में रुचि नहीं रखते हैं। तो रुचि नहीं रखते तो कम से कम तो नंबर तो आना ही चाहिए। और गांव घर का स्थिति आप जानते ही हो कि एक ही सर सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर कुछ संस्कृत पर ज़्यादा मात्रा में ध्यान नहीं दे पाते हैं, जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं। हालांकि शहर में तो अलग 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 सब्जेक्ट का अलग अलग शहर होते हैं, तो वहाँ पे भी जाके पकड़ लेते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा नंबर आप प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर हम आपको जैसे जैसे बताएंगे उसे उसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 60+, यानी कि 60 जरूर प्लस हो जाता है यहाँ पे नंबर। अगर हम आपको 60 से 80 के आसपास में आप यहाँ स्कोर कर पाते हैं, ठीक है बाबू। तो आप संस्कृत का जो चंद्रिका है उसे आप खुल के इस्तेमाल करो, और हम आपको बताएं कि पाठ का परिचय हो गया, उसके बाद सारांश हो गया, उसके बाद शब्दार्थ हो गया, ये सब आप रीडिंग करो, बार बार रीडिंग करो, जाके आपके माइंड में जाके कॉन्सेप्ट में बैठ सके, ठीक है बाबू। तो फिलहाल अभी हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो चैप्टर भी बहुत लंबा नहीं है, ठीक है बाबू। तो अभी हमें आप जाने की इजाज़त दो, तो हम आपके लिए ज़रूर किसी दिन समय निकालकर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको फुल डिटेल्स बताएंगे, ठीक है बाबू। तो अभी आप हमें जाने की इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।